हेलो एवरीवन, दिस इज चिनूर। अगर आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में, तो ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज और कल और परसों चार दिन मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ और चेस के टूर्नामेंट के लिए जा रहा हूँ मैं। और ये हमारी लड़कियों की टीम है, लड़कों की टीम अभी गई हुई है घूमने, और हम अभी चंबा जाने वाले हैं, चंबा जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, और वहाँ पर हमारा टूर्नामेंट होगा। और ये लोग टाइम पास कर रहे हैं लिफ्ट में ऊपर नीचे जाके, बस यहाँ से यहाँ झूला मिल गया इनको एक। तभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं बेसिकली कहाँ जा रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर हैं शिमला में, और अभी हिमाचल का मैप है, अभी हम यहाँ पे शिमला में हैं, और यहाँ से हमें यहाँ जाना है ना ऊपर, यहाँ से यहाँ, जिसमें काफ़ी सारा समय लग जाएगा, रात हो जाएगी पूरी की पूरी। और ये भी मेरा वीडियो ख़राब करने के लिए बार बार आ रहे हैं। तो टाइमिंग है जाने की 6:20 पे, हम यहाँ से निकल जाएंगे शाम के 6:20 पर, और फिर ट्रैवल करेंगे। और ये यहाँ पे खड़े हैं, मुझे लगा कि इनको लिफ्ट खा गई। इन लिफ्ट की हॉरर स्टोरी पता है तुम्हारे को? ऐसे ही तीन लड़कियाँ जा रही, नहीं दो लड़कियाँ जा रही थी एक लड़के के साथ में, और उस लड़के को नहीं पता था कि वो दो लड़कियां इंसान नहीं है, वो भूत है। उसे बाहर निकलने के बाद पता चला। तो ये है वो बस जिसमें हम जा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप आगे, शिमला कांगड़ा चंबा काफ़ी सारा घूम फिर के जाएंगे हम। और हमारे साथ संजौली कॉलेज के भी है, जो कि बस में बैठ चुके हैं, दिल्ली की बस। ओके, काफ़ी अंधेरा। तो अभी हम चल पड़े हैं यहाँ से, बस में बैठ चुके हैं, और अभी हो गए हैं 6:20, सही टाइम पे चली है बिल्कुल बस। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं चंबा, और इस पूरी जर्नी में हमें लगे कोई 15 घंटे। हम रात भर ट्रैवल ही कर रहे थे, तो वीडियो में भी ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, अंधेरा था क्योंकि। और अभी हम पहुंच चुके हैं, सामने की तरफ कॉलेज है, और टेम्परेचर यहाँ का काफ़ी ठीक ही है, नॉर्मल है, मतलब शिमला से तो गर्म जगह है ये, शिमला के कंपैरिजन में तो इतना ज़्यादा कुछ ठंड तो लग नहीं रही। हाँ, बस रात को थोड़ी ठंड लगी, और पता नहीं कैसे कैसे हमने रात गुजारी। मैचेस कल परसों हो गए, आज का दिन ट्रैवलिंग के लिए रखा हुआ था, तो आज हम मस्त जाएंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़ा दिमाग को फ्रेश करेंगे, चेस दिमाग वाली गेम है। और क्योंकि मुझे सर दर्द भी हो रही थी पहले, अब तो चलो ठीक हो गया, बच्चा है, तो मिलते हैं कॉलेज में। तो ये है वो कॉलेज जहाँ पे टूर्नामेंट है, और ये हमारे पास दो ट्रॉफीज़ है, जो कि सेकंड की है। पिछली बार हम जब फर्स्ट ईयर में हुआ था, जिसमें मैं भी था, उसमें हम सेकेंड आए थे, और उसकी ये वाली ट्रॉफी है। करण दिखा, हाँ, अभी पुराने प्लेयर्स मैं और यही है सिर्फ, ये जो ये नीले जैकेट में दिख रहे हैं, सारे नए नए हैं, उठा के लाए हम अपने साथ में। अब इसके बाद यही खेल लेंगे, हमारे जाने के बाद यही लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये है रावी नदी, जो कि बह रही है यहाँ से वहाँ को, और आप उधर उस तरफ देख सकते हैं, वहाँ पे एक बंदर बैठा है, वहाँ पर बंदर बंदर की तरह बैठा है। तो अभी समय हो गया है 1:20, और हमें ये रूम अलाउट हुआ है, ये होता है व्लॉग में। अच्छा, तो हमें ये रूम अलाउट हुआ है, और ये सारे लड़के हैं जो हमारे साथ हो गए। ओ चिराग भाई, बिग फैन, मेरे फैंस भी हैं यहाँ पर। तो अभी रात का समय हो चुका है, आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, हमने थोड़ी बहुत गेम्स के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया, और थोड़ा बहुत सोए, क्योंकि कल रात भर सोए नहीं थे, बस में ट्रैवल करके आ रहे थे। अब कल 9 बजे से गेम स्टार्ट है, और देखते हैं कैसी जाती है गेम्स। तैयारी तो ठीक ठाक है, मतलब अच्छे प्लेयर्स हैं हम, पर देखते हैं कि इस बार कौन कौन से सॉलिड प्लेयर आए। हम ये पूरा बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि हम जीतेंगे, बट हम जीत जाएंगे। सुबह हो चुकी है, और मैं उठ चुका हूँ, और मैंने मुंह धो लिया है, और बाकी ब्रश वगैरह भी जो भी होता है वो सब कुछ कर लिया है। नहाने के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, और ये बाहर गर्म तो कर रहे हैं पानी, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम करके रखा हुआ है इन्होंने, NSS के जो वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने, ये पानी गर्म तो कर रहे हैं, बट फिर भी इतने सारे
लोग हैं, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उतने सारे लोगों के लिए नहीं हो पाएगा फुल फुल बाल्टी पानी। और इसके अलावा 9 बजे होने वाला है मैच स्टार्ट, इसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और अब इसके बाद मुझे खाना खाने जाना है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद मैच स्टार्ट होगा। तो ये है वो जगह जहाँ पे हमारे चेस के मैचेस होने वाले हैं और ये सारे टेबल्स हैं, ये इस पे सभी लोग बैठे हो गए अभी गेम्स खेलने के लिए। एंड वहाँ पे अभी सारे प्लेयर्स साइड साइड में बैठे हैं क्योंकि अभी कुछ कॉलेज का मैच किस कॉलेज के साथ है ये डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब इसका लिस्ट नहीं लगी है बाहर, अभी सिर्फ प्लेयर्स की लिस्ट लगी है। एंड अभी कुछ ये वेलकम करेगी हमारा और उसके अलावा सभी लोग आए हुए हैं। थैंक यू आप सभी को भी बेस्ट ऑफ लक। और ये हमारी टीम यहाँ पे, ये चीज़ बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। और ये आगे हमारे लोकिंदर जी चेस क्लॉक लेकर, आपको मैं चेस में हर मैच जीतने की छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, मतलब हर मैच नहीं, अगर आपको आता है अच्छे से खेलना, अगर आपका दिमाग नहीं चलता या फिर आपको अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ाना है तो आप मैच खेलने से पहले चॉकलेट खाएं। ये तो 5 स्टार है, मुझे मेरी टीम वालों ने 5 स्टार दी है, मुझे खाओ और खो जाओ वाला करवाना है इन्होंने, या कोई भी चॉकलेट हो वो खानी है। इससे इसमें कैफीन वगैरह कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं जिससे दिमाग चलता है और हम सभी ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से हमारी ट्रॉफी आती है हर बार। अब ये राज पूरी बाकी टीम वालों को भी पता चल जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं, मेरा तो हो गया, इनके लिए कंपटीशन तैयार करेंगे वो। और मैचेस होने वाले हैं स्टार्ट, हमारा लगा है पहला मैच भरमौर के साथ, भरमौर की टीम से 3 ही प्लेयर्स हैं। अच्छा हाँ, हमारी ब्लॉगिंग में बाधा उत्पन्न करते हैं रोमित भैया। अच्छा तो हमारा पहला मैच लगा है भरमौर के साथ में एंड काफ़ी अच्छी टीम लग रही है इनकी, इनका एक प्लेयर नहीं है तो हमारे को उसका पॉइंट मिल गया है पहले ही। तो अभी मेरा पहला मैच हो चुका है और पहला मैच काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत आसानी से हम जीत गए। मतलब जो मेरा ओपोनेंट था वो तो काफ़ी, मतलब उसको सिर्फ आता था खेलना, तो मैंने उसको बहुत आसानी से हरा दिया और उसको सिखाया भी कैसे कैसे अच्छे तरीके से खेलते हैं, आगे के लिए मोटिवेट भी किया। इसके अलावा इसके पहला मैच मतलब हमारा अच्छे से हो गया, जिस टीम के साथ लगा था वो भरमौर की टीम थी और आता था उनको अच्छा खेलना आता था, पर हमारी टीम ने उनको, उनके चारों टेबल्स को हमने खाली कर दिया और हम जीत गए। और हमारा जो नेक्स्ट मैच लगेगा वो और हार्ड टीम के साथ लगेगा, तो इट्स गोना बी टफ। और ये इन्होंने छोटा सा यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी किया है इसके बाद में, मतलब पहली मैच के बाद में। बाकी चेस मैचेस में ऐसा नहीं होता था, मतलब जो पहले वाले चेस मैचेस थे उसमें ऐसा नहीं था, इन्होंने थोड़ा अच्छा किया है, अच्छा खासा फंक्शन इन्होंने अरेंज किया है, काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स इनके कॉलेज की, विच इज़ वेरी गुड। तो नेक्स्ट मैच भी हो गया है और ये मैच ड्रॉ रहा, काफ़ी मतलब जिसको बोल सकते हैं कि ऐसा इंटरेस्टिंग मैच। लास्ट में राजा राजा बच के मेरे पास एक पॉन का प्रॉफिट था और लास्ट में वो जोड़ दिया, मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसी गेम ना मतलब खेली जानी चाहिए एक ना एक बार, भले ही मैं मतलब ड्रॉ रही गेम बट फिर भी। और बाकी हमारी टीम के तो अच्छे ही पॉइंट्स अभी 7.5 हो गए हैं हमारे, मतलब सारे जीत गए बाकी, तो मतलब मेरा गेम ड्रॉ रहा। जिसके साथ मैं खेल रहा था वो टीम का कैप्टन था, तो काफ़ी अच्छा प्लेयर था वो भी। इसके बाद हम खाना खाएंगे और इसके बाद फिर एक और मैच हो सकता है, होगा मैच, हाँ इसके बाद एक और मैच होगा। तो गाइस ये वाला मैच भी हो गया, थर्ड मैच भी हो गया और भाई साहब इतना मतलब नेशनल प्लेयर था वो बंदा, वो बंदा नेशनल खेला हुआ बंदा है, मतलब दो बार नेशनल खेल चुका है वो बंदा, मतलब बहुत ही सॉलिड प्लेयर जिसको बोलते हैं। गेम तो मैं जीत गया पर गेम ऐसी हुई मतलब जिसमें चक्कर आ रहे थे मुझे, ऐसी गेम थी। बाकी ये भी जीत गए, क्या पता नहीं यार, इजी बंदों के साथ गया, मेरी किस्मत ऐसी खराब है यार, पता नहीं। और मैं ये बताना भूल गया, अभी इस मैच से पहले हमने खाना खा लेना था पर हमारे लिए चावल ख़त्म हो गए थे, तो हम भूखे पेट खा रहे थे बिल्कुल भूखे शेरों की तरह। और अब
जीतने के बाद खा रहे हैं बहुत सारा। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने, खाना हो गया, उसके बाद हम जाते हैं घूमने। और हमारे साथ एक गाइड की तरह एक लड़की चल रही है जो इसी कॉलेज की है, एनसीसी रखी थी उसने और हमने भी एनसीसी रखी है, तो अच्छी यारी दोस्ती हो गई। और वो अब वो हमें यहाँ की एक अच्छी सी जगह घुमाने ले जा रही है, मैं भी नहीं जानता क्योंकि कैसी जगह है वो, अभी हम कहीं भी ब्लाइंडली जा रहे हैं। और ये है वेलकम टू चंबा, और ये हमारी तनु हमें गाइड कर रही है, हम बच्चे हम भटक ना जाए यहाँ पे कहीं इनके शहर में। काफ़ी सुंदर दृश्य, रावी नदी बहुत सुंदर दिख रही है यहाँ से। तो हम ये पहुँच चुके हैं इस जगह पर, तनु जी बताइए इस जगह के बारे में कि मतलब है क्या जगह, ये क्या चीज़ है जहाँ पे आप हम लेके आए हैं? अंदर की दुकान है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन। चलो अंदर जाके देख लेते हैं खुद अपनी आंखों से क्या क्या है। हाँ म्यूजियम है, कैमरा के ऊपर नहीं बोल सकते। बड़ा ही पुराना मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर। अच्छा लक्ष्मी नारायण मंदिर है। एंड दिस इज चल चंबा। तो ये है वो मैदान जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ पहाड़ों में ऐसी प्लेन जगह देखने का ना मतलब क्या बताऊँ, मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि पहाड़ों में ऐसी प्लेन जगह बहुत मुश्किल से दिखती है। प्लेन्स के लोग सोचते होंगे कि हमें पहाड़ देखने, और हम सोचते हैं कि हमें प्लेन देखना है। हाँ व्हाट अ लाइफ। सभी यहाँ पे मस्त फोटो ले रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं सारे के सारे, एंड दिस इज़ प्रीटी गुड। वहाँ पे सामने की तरफ अगर आप देख पा रहे होगे तो बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिख रही है बिल्कुल क्लियरली। अभी थोड़ी अंधेरा हो गया है, मतलब मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है सच बात बोलूँ तो काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पे हमारा देश का झंडा काफ़ी सुंदर, एंड एवरीथिंग एल्स इज़ रियली वेरी गुड एंड वेरी अट्रैक्टिव। और मैम भी यहाँ पे आ गए हमारे से पहले घूमने। इतना बड़ा ग्राउंड है ये ना, तो अभी फिलहाल सभी ने फोटोज वगैरह अच्छे से ले रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं सभी के सभी। प्यारी हो रही है ब्लॉग। कैसा लग रहा है यहाँ पे घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। पहले बहुत अजीब और गंदा लग रहा था, बट अब अच्छा लग रहा है क्योंकि हम घूम रहे हैं। मुझे शॉपिंग करनी है। और अंधेरा हो चुका है इसके बाद। भूख लग रही है गाइस, हमें भूख लग रही है, हमें खाने को दो कुछ, भूख लग रही है गाइस। दूर है ना इसे, खा लोगों को भी खा जाता है, नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन अभी रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, बट फिर भी हम घूम रहे हैं। मैम आगे पहुंच गए हैं और ये यहाँ पे फोटो ले रहे हैं। इनको नीली लाइट क्या दिखी यहाँ पर, देखो देखो सड़क पे बैठ गए है, शिमला वालों का नाम खराब कर रहे हैं। और एक इनके बीच में कृष्ण बना हुआ है। चलो और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। वेट 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 वेट, मैम को तो बोलो। अच्छा आगे आगे, कौन सी फेमस चीज है यहाँ की जो हम ले सकते हैं? अच्छा तभी यहाँ पे चल चंबा लिखा हुआ है हर जगह पे। चलने के लिए मतलब हमें चप्पलें ले जानी है यहाँ से। तो हम ये मंदिर पहुंच चुके हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और अभी हम अंदर जाते हैं। वो क्या सही, क्या सुंदर मंदिर है यार ये तो। इतना सुंदर मंदिर है ना ये, अभी अंधेरे में आपको ये ऊपर का जो पार्ट है ये दिखाई नहीं दे रहा, बट ये बहुत ही मतलब मेरी आंखों से दिख रहा है अभी, और इतना सही दिख रहा है ना, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही सुंदर जगह है ये, बहुत ही सुंदर मंदिर। और ये यहाँ पे भी फ़ोटो ले रहे हैं। देखो फ़ोटो लेने वाले लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी फ़ोटो लेते रहते हैं ऐसी जगहों पर जाके, देखो फ़ोटो लेने के लिए बुरी बात नहीं है, एक फ़ोटो लो दो फ़ोटो लो बस, उसके बाद मूवमेंट को इन्जॉय करो यार। तुम फोटो लेते रहते हो इस साइड से नहीं आ रही अच्छी, और इस साइड लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो क्या? क्योंकि इनसे हमने सबसे ज्यादा फोटो बोली है लेने को। अरे फोटो खींचने की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कैमरा पकड़ने का काम है मेरा तो, बट यू नो मोमेंट को एंजॉय करना होता है अच्छे से, है ना?
और देखो कितने सही सही मंदिर है यहाँ पर। ये मंदिर नहीं देख रहे हमारे को इस जगह से अच्छी फोटो आएगी, उस जगह से अच्छी फोटो आएगी, ये फेसबुक के लाइक्स सोच रहे हैं कि हमारे उस पे लाइक्स ज़्यादा आएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं होता है, मोमेंट को एंजॉय करो। एक फ़ोटो होती है मेमोरी के लिए, एक फ़ोटो को आप देखेंगे आपको याद आ जाएगी ये चीज़ हुआ था मेरे साथ। मेरा जो व्लॉगिंग करने का मेन मोटिव है, मेरा मेन मोटिव एक तो आपके साथ शेयर करना, और दूसरा अपने जब मैं अपने पुराने व्लॉग्स देखता हूँ मुझे खुशी होती है अपने पुराने व्लॉग्स देखे कि मैंने यहाँ गया था और उस टाइम हुआ क्या था, ये सारी चीज़ें याद आती है। तो अब फैक्ट्स आ रहे हैं थोड़े लेट लेट, ये मंदिर 10,000 साल पुराना है, विच इज़ वेरी ओल्ड। इनकी वीडियो ब्लॉग कैसे बनाते हैं ये सब। और अभी हम फिर से यहाँ पर भटकते भटकते बचे हैं, हम गलियों में घुस गए थे अंदर, पर हमें पता नहीं था कि हमें वापस उसी रास्ते से जाना है जहाँ से हम आए थे। और ये है यहाँ के फेमस रुमाल, ये सारा का सारा रुमाल है, ये सारे के सारे। और सबसे छोटे सबसे मिनिमम कौन सी कॉस्ट है आपकी? 300 रुपए से स्टार्टिंग है। 300 वाला कौन सा है? 300 वाला छोटा सा होगा, कोई घूमने के लिए आया जी? नहीं नहीं, घूमने के लिए, मतलब घूमने के लिए भी आए। ये तो दिल की बात निकल गई बाहर। तभी हर जगह पे बोर्ड लगा है, चल चंबा चल चंबा। तो यहाँ क्या हो रहा है, बहुत बैठ गए हम और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर रूम में वापस अपने। इसके बाद हम खाना खाएंगे और अभी बजे हैं 7:30। और ये है हमारी विवेक भाई, संजौली से है, ये काफी अच्छा खेल रहे हैं ये भी। अच्छा हाँ, कैप्टन भी है ये। एंड इसके अलावा यहाँ पे और भी है हमारे, ये भी सभी चेस प्लेयर है, सभी दिमाग के लोग एक जगह पे मिलके क्या करते हैं, लोगों को मारने की बातें करते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी है कि क्या है, मेरा पहला मैच लगा, मतलब पहला मैच तो ठीक ही था, पहला मैच इतना खतरनाक नहीं था। दूसरा मैच लगा मेरा टीम के कैप्टन के साथ, तीसरा मैच लगा नेशनल प्लेयर के साथ, और अभी जो चौथा मैच लगने वाला है वो है रेटेड प्लेयर के साथ। वेरी सैड। अभी जो हमारी ठियो की टीम है उसके पॉइंट है 11.5, 12 में से है यहाँ पे सबसे अच्छी चल रही है। एंड इसके अलावा कौन से कॉलेज से, ये है मंडी वाले, इनके साथ हमारा कल मैच है। अच्छा आप कौन से कंप्यूटर में बैठते हो? हम दूसरे में बैठते हैं, रेटेड प्लेयर है ना वहाँ पे। देखो देखो उनके तो चर्चे ही हर जगह पे है, ऐसे प्लेयर्स के साथ हमें खेलने को मिल रहा है। हाँ पर ऐसी बात है, आई कैन विन, जीत सकता हूँ सपने में। अरे नहीं नहीं नहीं, वैसे ट्राई करूंगा मैं जीतने की और अच्छा खेलूंगा, अपने से तो बेस्ट ही खेलूंगा। और कल बहुत अच्छा मैच है हमारा, और ये यहाँ पर जुआ खेल रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं एक दूसरे को, झूठ बोलने की तैयारी कर रहे हैं। देखो झूठ बोलने की नीचे टेक्निक, झूठ बोलना सीख रहे हैं। ये भी चेस की स्ट्रेटजी का एक पार्ट लग रहा है हमारे को। अब कल का देखते हैं, कल कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुका हूँ, मतलब उठ तो बहुत पहले गया था और वीडियो एडिटिंग कर रहा था। उसके बाद अभी मैंने मुँह हाथ वगैरह नहीं धोया कुछ भी, बट इस बार आज ऐसे ही खेल लेंगे, कुछ नहीं होता। अभी हुए है टाइम 9:15 और आज हमारा इम्पोर्टेंट मैच है। ओह माय गॉड, ऐसी इंटरेस्टिंग गेम, शिट, मतलब अपने ऊपर ऐसा लग रहा है कि क्या खेला मैंने, जीती हुई गेम है ना। मेरे पास 3 pawns एक्स्ट्रा थे, 3 pawns अब था, मैं 3 जिसको बोलते हैं, पर मैंने चेकमेट करने की सोची जल्दी और उसमें ही मारा गया मैं। अगर मैं चेकमेट करने की ना सोचता तो बहुत चलो अच्छा है। अब हमारे 2 points है, इनके भी 2 points है, मतलब हमारी जो कॉलेजेस की टीम थी उनके बीच में ड्रॉ हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा वो डिसाइडिंग होगा।
तो अभी हमारा मैच है धर्मशाला के साथ में, और इनका है मंडी वालों का है संजौली वालों के साथ में। अगर संजौली वाले जीतते हैं मंडी वालों से तो हमारे विनिंग के चांसेस है, और हमारा है धर्मशाला वालों के साथ में। अगर हम भी जीतते हैं इनसे तो हमारे फुल फर्स्ट आने के चांसेस है, और ये हमारे धर्मशाला वाले। यस सर, यस सर, व्लॉग। तो इसी के साथ हमारा फिफ्थ एंड फाइनल राउंड भी हो गया, और अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया। फर्स्ट की ट्रॉफी, फर्स्ट प्राइज़ की ट्रॉफी और सेकंड प्राइज़ की ट्रॉफी भी साथ में हमारे बिल्कुल इतने पास आके हमसे दूर हो गए। जिस टीम के साथ हमारा मैच लगा था वो धर्मशाला की टीम थी, और उनका गोल था हमारे साथ ड्रॉ करना, किसी भी हाल में ड्रॉ करना। अगर हम ड्रॉ करते तो मंडी फर्स्ट आता, हम सेकंड आते और वो थर्ड आते, पर हम करना चाहते थे उनसे विन, जिससे हमें फ़र्स्ट ट्रॉफी मिल जाए। अब हमारा गोल था फर्स्ट, उनका गोल था ड्रॉ। अब हुआ क्या, हम खेल रहे थे बिल्कुल विनिंग के लिए और वो खेल रहे थे बिल्कुल ड्रॉ के लिए। अब एक मुझे दंगल मूवी का एक डायलॉग था, पॉइंट्स ना मिलेंगे तो ससुरा हड़बड़ाएगा और गलती करेगा, और हमारे साथ भी यही हुआ। हम उस ससुरे बन गए जिन्होंने गलती की और हम उनसे हार गए सैडली। तो अब हमारी थर्ड पोजीशन आई है, थर्ड पोजीशन भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, बट हम और अच्छा कर सकते थे, विच इज़ सैड, बट चलो अब गेम हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। आदित्य भारती शर्मा, उसके बाद लोकेंद्र हेटा, अवनीश करते रहिए। तो अभी हमने खाना खा लिया, और खाना आज बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही अलग तरह की डिशेस बनी थी, बहुत ही यूनिक, ऐसी कभी मैंने टेस्ट नहीं की। और इनसे मैंने पूछा कि वो क्या है, तो ये बता रहे हैं कि वो यहाँ की एक लोकल डिश है जो कि बताई गई। तो ऐसा कि ये हमारा चंबा की 5 डिशेज हैं जो बहुत फेमस है, इसमें जो हमारा ये मद्रा है जो स्पेशल डिश है, ये चंबा की स्पेशल डिश है, ये बहुत टेस्टी है। और ये इसमें क्या क्या डालते हैं, इसमें डाली ये, इसमें ये दही के साथ बनता है, दही के साथ और राजमा के साथ बनता है। और ये मूंग की दाल है हमारी सबसे पहली है, ये मूंग की दाल है सबसे पहली है, ये बहुत अच्छी है। इन डिशेज में किसी भी डिशेज में ना ही प्याज डलता है ना ही टमाटर डलते हैं, बिल्कुल सिंपल। और आगे कड़ी, आगे कड़ी है हमारी, कड़ी अंगूर के साथ, ये छाछ की बनती है, दही की बन जाती है, दही की बन जाती है। ये देखिए इसमें ये क्या डाला है, ये इसमें हम डाला हुआ है लाल कलर, नहीं नहीं ये जो बूर है, बूर है, अच्छा बूर है, बूर डाला हुआ है इसमें, जो बड़ी सेमिया बोलते हैं इनको, बड़ी सेमिया, बड़ी सेमिया। अच्छा इसके बाद खट्टा है, और ये खट्टा, ये इधर आ जाओ खट्टे से पहले, ये हमारी काली दाल है, काली दाल। और इसके बाद जो मदुरई के बाद हमारी स्पेशल डिश बनती है, ये खट्टा हमारे यहाँ पे, इसमें ये खट्टा, इसमें काजू बादाम पिस्ता सब कुछ चलता है, गरी वगैरह सब कुछ चलता है, आमली के साथ बनता है ये खट्टा, इसमें और भी ये गरी वगैरह भी थे, और सब कुछ है और एक चावल भी थे, वो मीठे चावल है, वो भी चावल ये तो ये डाइजेशन के लिए अच्छा, वो ये हमारे मीठे चावल आ गए, ये मीठे चावल है, इसमें भी काजू बादाम पिस्ता सारा, हाँ ये भी बहुत अच्छे थे, हाँ जी राइट से खाने वाले आए ना, ये डाइजेशन के लिए स्पेशली, ठीक है, ये पूरी जो आइटम खाने के बाद लास्ट में आती है ये डाइजेशन के लिए, इसमें सारे हर्ब्स यूज करते हैं। चलो बहुत अच्छी डिशेस, बहुत सारी डिशेस, और इन्होंने हमें बहुत अच्छे से दी सब कुछ, और हमने बाहर बैठ के ही खाया ये सारा कुछ, नहीं तो बाकी तो हम अंदर ही बैठ के खाते थे, और बाहर बैठ के खाया, बहुत अच्छे से सभी ने परोसा भी, ये परोसने वाली अभी खा रहे हैं, इन सभी ने परोसा भी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब चंबा आने का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये जो चंबा कॉलेज ने हमारे को दिया, तो इट्स गुड। तो अभी सभी मैचेस हो चुके हैं ओवर, और अब हमने आज ही निकल जाना था वैसे तो, बट क्योंकि ट्रायल्स हो रहे थे बाद में और वो बहुत लेट छोड़ रहे थे, इस वजह से
अब हमें कल शाम के टाइम में निकलना पड़ेगा, कल शाम को बस आएगी हमारी। और प्रॉब्लम ये है कि परसों को मेरा कॉलेज में फंक्शन है और उसमें मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरी एंकरिंग थी और मेरी प्रेजेंटेशन भी थी और मेरी मुझे क्विज भी होस्ट करना था। मेरी तीन चीज़ें थी उसमें, मतलब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कॉमर्स फंक्शन में। और प्रॉब्लम ये थी अगर उस दिन नहीं हुआ, मतलब परसों के दिन नहीं हुआ कॉमर्स फंक्शन, तो फिर आगे के लिए भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब फिर अगले पूरे महीने में नहीं होगा, फिर इस साल में हो भी पाएगा कि नहीं पता नहीं। कईयों ने बहुत सारी प्रिपरेशन की हुई है, मैंने भी अपनी तरफ से प्रिपरेशन की हुई थी और मैं ये सोच के चल रहा था कि हम आज निकल जाएंगे, बट इनकी वजह से मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई कि मैं नहीं जा पा रहा आज। और भी बहुत सारा काम था मुझे कॉलेज में जो कल ही करना था, जो कि आज ना जाने की वजह से रुक गया। कल हम जाएंगे और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ही लंबा हो चुका है, मेरी एडिट करने में लंका लग जाएगी। तो और बाकी हमें थर्ड प्राइज़ मिला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। हमें सभी के सभी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह हो रहे हैं, हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा नाम हो रहा है इसके लिए। और उसके अलावा बाकी जो हमारी पोजीशंस है वो काफ़ी अच्छी रही है क्योंकि जो फर्स्ट एंड सेकंड आए हैं वो यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, मतलब बड़े लोग हैं, पीजी कॉलेज वाले हैं, हम यूजी कॉलेज वाले हैं। तो इट्स गुड फॉर अस, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस टू कि हम जीते। और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इतना टाइम आपने मेरी वीडियो को देखने में लगाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर देना, मतलब जो भी आपको लगता है कि इस तरह का कंटेंट देखना चाहता है, इंटरेस्टेड हो सकता है इस तरह के कंटेंट में, उसके साथ शेयर भी कर देना। ओके, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि जल्दी आने वाली है। ओके, बाय बाय।